हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल फैमिली। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 15 फीट बाई 30 फीट के हाउस प्लान के बारे में, जिसका हम फुल डिटेल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे बेनिफिट ये होगा जब भी हम कोई न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल में आपके चल जाएगा। अगर जो दोस्तों आपको भी इसी तरह का कोई हाउस प्लान डिजाइन करवाना है तो नीचे अच्छा सा कमेंट करना है, कमेंट में अपना प्लॉट साइज डाल देना है, जिससे क्या होगा कि हम आपके लिए भी एक हाउस प्लान डिजाइन कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये हाउस प्लान बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको एक एक चीज़ का, जैसे रूम का साइज़, लॉबी का साइज़, स्टेयरकेस का साइज़, किस तरीके से विंडो ओपनिंग है, हर एक चीज़ का आपको फुल डिटेल मिलेगा, जिससे आप अपने घर को जब बनवाएंगे तो आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल सके। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 15x30 का हाउस प्लान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका हम फुल डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये आप गेट मिलता है, गेट से आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये आपको पूरा इतना सा पैसेज एरिया मिलता है, क्योंकि ये इधर से चढ़ना है, फ्रंट से ही जैसे आप चढ़ेंगे। ठीक है, या इधर से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने इधर से एंट्री किया, इधर से चढ़ेंगे, इस तरीके से आप छत पर आ सकते हैं। आप दोनों तरीके से इस पर सेटअप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको डोर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डोर मिलेगा, 3 फीट 6 इंच का डोर मिलेगा, ये आपका, ठीक है, ड्राइंग रूम है। ठीक है, ये आपका है ड्राइंग रूम। इसके ड्राइंग रूम का जो आपका साइज है वो 8 फीट 9 इंच बाई 10 फीट का आपको, ये आपको देखने को ड्राइंग रूम मिलेगा, जो कि ये इसका जो डिस्टेंस है वो 10 फीट है, और ये इसका जो डिस्टेंस है इधर से और इधर तक का वो 8 फीट 9 इंच है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको एक डोर मिलता है, 3 फीट 6 इंच का ही डोर मिलेगा, ये आपका हाल है या डाइनिंग एरिया कह सकते हैं, हाल या डाइनिंग एरिया। ठीक है, हाल या डाइनिंग एरिया, ये जो इसका साइज है वो 11 फीट 9 इंच बाई 6 फीट 8 इंच का आपको ये देखने को मिलता है। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, वो 6 फीट 8 इंच का है, और ये जो डिस्टेंस आपको मिलता है, ये वाला डिस्टेंस जो आपको मिलता है इधर से इधर तक का, वो मिलता है 11 फीट 9 इंच का। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपको मिलता है टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट है। ठीक है, ये आपका जो डिस्टेंस है इधर का वो आपको मिलता है 6 फीट 8 इंच का। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो आपका है ये वाला, वो आपको मिलता है 3 फीट 10 इंच का। ठीक है, ये आपको डिस्टेंस मिलता है, आपका ये टॉयलेट एरिया है। ठीक है, इसके बाद से मिलता है आपको यहाँ पे एक डोर मिलता है, ये आपका जो बेडरूम है, ये आपका बेडरूम है, बेडरूम का साइज है 9 फीट, ठीक है, बाई 11 फीट 4 इंच का, ये आपको बेडरूम मिलता है, जो कि आपका जो ये वाला डिस्टेंस है ये वाला, वो है 11 फीट 4 इंच। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आपका है ये वाला, वो मिलता है 9 फीट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको मिलता है किचन, जो कि इस तरीके से आपका किचन रहेगा। ठीक है, ये आपका किचन है, किचन का जो साइज है वो है 4 फीट 9 इंच बाई 7 फीट 7 इंच का, जो ये वाला आपका डिस्टेंस है इधर का, वो आपको मिलता है 7 फीट 7 इंच का। ठीक है, और ये इधर का जो आपको डिस्टेंस है वो मिलता है 4 फीट 9 इंच का। ठीक है, ये आपका OTS है। ठीक है, ये आपको मिलता है 4 फीट 9 इंच बाई 3 फीट 4 इंच का, ये आपको मिलता है, जो कि जो इसका 4 फीट है वो इधर से इधर तक है 4 फीट 9 इंच। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो मिलता है 3 फीट 4 इंच का। ठीक है, ये तो पूरा डिटेल हो गया इस हाउस प्लान का। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि इस हाउस प्लान का कितना एरिया है। तो अगर एरिया की अगर जो हम बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं 15x30 फीट का ये हाउस प्लान है, यानी कि ये जो इसका एरिया होता है वो 450 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, ये आपको 450 स्क्वायर फीट देखने को मिलता है, ये इसका कंस्ट्रक्शन का
जो आपका ये हाउस प्लान है, इस हाउस प्लान का जो एरिया है 450 स्क्वायर फीट है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कास्ट का, तो आपको पता है ठीक है, अगर आपका 450 स्क्वायर फीट आपका जो हाउस है, तो आपके एरिए में स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रेक्टर रेट लेते हैं। अगर अभी क्या है, गिट्टी सीमेंट बालू और मैन पावर का भी रेट बढ़ गया है, तो कम से कम आपको 1500 मीडियम क्लास में अगर घर बनाना है तो 1500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। तो अगर इतने के हिसाब से अगर जो आपके एरिया में भी चल रहा है, तो जितना एरिया जितना स्क्वायर फीट के एरिया का हिसाब से चल रहा है, तो आप उतने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जो हमारे यहाँ 1500 स्क्वायर फीट से चल रहा है, तो हमारा हो गया 6,75,000 रुपये, ठीक है। ये आपको मिलता है 6,75,000 रुपये में, आपको ये घर का पूरा फिनिशिंग वर्क तक काम होगा। अब बात करते हैं बेडरूम का, देख सकते हैं ये एक बेडरूम है। अगर जो इसको भी काउंट करते हैं, तो ये भी आपको एक बेडरूम मिलता है जो कि ड्राइंग रूम है। तो इसके तरीके से अगर जो रूम की अगर हम बात करें नंबर ऑफ रूम, तो यहाँ पे मिलता है 2 रूम, ठीक है ठीक है, यहाँ पे आपको 2 रूम मिलता है। अब बात करते हैं कॉलम का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम की अगर जो हम बात करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक आपका कॉलम आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक आपको कॉलम आएगा और यहाँ पर एक कॉलम आएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम और यहाँ पे एक कॉलम, इसी तरह यहाँ कॉलम, यहाँ 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 कॉलम है, ठीक है, एक यहाँ पे आप कॉलम दे देंगे और आप यहाँ कॉलम, देखिए कितना 3, 3, 6, 9 और 12। तो अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 12 नंबर्स कॉलम यूज होगा, ठीक है। तो ये घर का बनाने का पूरा प्रोसेस है। अगर दोस्तों इस हाउस प्लान आपको 3D भी बनवाना है, तो इसका भी हमने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह का हाउस प्लान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।